नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाजपा की उपचुनावों में लगातार हार पर। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अब उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भाजपा की हार, क्या 2019 से पहले खतरे की घंटी नहीं है? निश्चित ही, हालांकि जो उपचुनाव होते हैं उनमें बहुत सारे स्थानीय समीकरण होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की आपने बात की, जो कोलारस मुंगावली के थे तो वहां पर सिंधिया का वर्चस्व था और उसकी वजह हम मान सकते हैं भाजपा। लेकिन फिर भी अगर आप निकाय स्तर पर सभी जगह मौजूद हैं, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, तो ये माना जाता है। उससे भी बड़ी बात यह है कि 2014 का जो प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला है, उसके बाद 2014 से लेके 2016 के अंत तक जितने उपचुनाव हुए उसमें अधिकतर में भाजपा विजयी हुई है। लेकिन 2017 की शुरुआत से लेकर अभी 2018 की शुरुआत तक जितने उपचुनाव हुए उनमें अधिकतर में भाजपा को हारना पड़ा है। आप ये देखिए कि 2014 से लेकर अभी तक कुल 6 सांसद कम हो गए हैं उस प्रचंड बहुमत में से भारतीय जनता पार्टी के। तो ये निश्चित ही भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है उपचुनावों में जो उनकी हार हो रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो फिर भी स्थानीय मुद्दे मानकर उसको छोड़ दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की इस हार की गूंज इसलिए ज्यादा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की सीटें थी दोनों, और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सीटों पर इतनी बड़ी हार मिलना और उत्तर प्रदेश में इतना अभी स्थानीय निकाय चुनाव में इतना जबरदस्त सफलता हासिल की थी, तो एक तो सपा बसपा का समीकरण जो कुछ उसने काम किया, स्थानीय जो जातिवादी गणित थे वो थे। लेकिन इसके बाद भी माना जाता है कि अगर आप प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो अपनी सीट पर इतना नियंत्रण आपका होता है कि आप अपनी सीट को जिताकर ले जाएंगे। लेकिन क्या मान सकते हैं कि अब जीएसटी और नोटबंदी का असर भी दिखने लगा है? हाँ, हालांकि ये जो चुनाव है इन पर सीधा नहीं, लेकिन एक बात है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो असंतोष नजर आ रहा है उसके कुछ बड़े कारण तो ये आर्थिक मुद्दे हैं जिसने मध्य वर्ग की कमर तोड़ी है। बाजार में हम देख सकते हैं कि पैसे की आवक अचानक कम हुई है, जिसको हम कैश फ्लो बोलते हैं, वो अचानक से बाजार में रुका है। और जीएसटी और नोटबंदी निश्चित ही एक दूरगामी सुधारवादी परिणाम हो सकते हैं, लेकिन वो अभी जो तत्कालिक उसके परिणाम है वो बहुत अच्छे नहीं है। जीएसटी को भी ऐसा लगता है कि इतने लंबे समय के बाद जब लागू किया गया तो उसमें जो उसके दुष्प्रभाव हो सकते थे उन पर ध्यान नहीं दिया गया, प्रक्रियाएं सही नहीं अपनाई गई, लगातार कानून में परिवर्तन किए गए। तो जीएसटी को लेकर, बल्कि अभी तो यह हालत है कि जीएसटी की वजह से जो सरकार की राजस्व आय है वो घट गई है, क्योंकि आप छूट दे रहे हैं, उसमें जो गड़बड़ियां उसको ठीक होने की वजह से लोग उसकी आड़ में टैक्स नहीं चुका रहे हैं, वो एक सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, और जो सचमुच भरना चाहते हैं वो भी परेशान है। वहीं नोटबंदी को लेकर लगातार बातें हुई हैं, नोटबंदी को लेकर सरकार खुद आज तक पूरी तरीके से स्पष्ट आंकड़े सामने नहीं रख पाई है। सरकार ने, हम जैसी की बात करते रहे, हो सकता है कि ये कदम अच्छे उद्देश्य से उठाया हो, लेकिन जिस तरीके से इसका क्रियान्वयन हुआ था, आज जाकर हम उसके परिणामों के बारे में बात कर सकते हैं कि निश्चित ही उसको लेकर भी कहीं ना कहीं असंतोष है, और जो नुकसान अर्थव्यवस्था को उसकी वजह से हुआ है। हम देखें कि जहां काला धन था या जो घोटाले हो रहे हैं, नीरव मोदी इतने पैसे लेकर भाग जाते हैं, जो सफेदपोश है उनके बड़े बंगले, कोठियां और दूसरी आलीशान संपत्ति वो वैसी है, तो उसमें बात हुई थी काले धन पर अंकुश लगेगा, भ्रष्टाचार पर रोक ले, तो ये सारी चीजों पर तो रोक ली, लेकिन भ्रष्टाचार तो वैसे ही कायम है। क्या लोगों ने रिश्वत लेना देना बंद कर दिया? तो मध्य वर्ग में कहीं ना कहीं इसको लेकर आक्रोश है। तीसरी बड़ी बात है कि मध्यम वर्ग को जिस तरह के आखिरी चुनावी बजट में उम्मीद थी कि कुछ राहत मिलेगी, कुछ सुधार होंगे, वो नहीं हुआ, उसकी भी नाराजगी हम कहीं ना कहीं पूरे देश में देख सकते हैं। उपचुनाव में कुछ स्थानीय मुद्दों को मान सकते हैं कि हावी रहे, लेकिन कुल मिलाकर पूरे देश में भाजपा को लेकर असंतोष का स्वर है और उम्मीद है कि भाजपा को भी वो सुनाई दे रहा होगा। भाजपा में सिर्फ दो ही चेहरे नजर आते हैं, एक नरेंद्र मोदी और दूसरे अमित शाह, और दूसरे नेता जो है खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं, इसका भी असर पड़ता होगा? ये जब 2014 के बाद लगातार बात हुई थी मोदी की मैजिक की, मोदी के जादू की, मोदी और शाह की जोड़ी की, और उसमें तिकड़ी के रूप में तीसरे जो ध्रुव उभरे थे वो अरुण जेटली उभरे थे, और इन तीन के अलावा कोई नेता, अब तो अरुण जेटली भी थोड़े बौने नजर आते हैं, हालांकि बड़ा सशक्त पोर्टफोलियो उनके पास, वित्त मंत्री की कुर्सी है उनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही दो बड़े नेता है, और उसके अलावा जितने नेता है, विदेश मंत्री के पद पर बैठी सुषमा स्वराज जैसी धाकड़ नेता, राजनाथ सिंह जैसे मजबूत गृह मंत्री, लेकिन ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये बौने हो गए हैं। तो जो टीम वर्क की कमी है, हम पुरानी वेब वार्ताओं को अगर टटोले तो हमने उसकी बात लगातार की है, और हमने ये भी माना है कि अगर आप कितने ही अच्छे बल्लेबाज भी हो, लेकिन एक से लेकर 11 नंबर तक लगातार सचिन तेंदुलकर खुद बैटिंग नहीं कर सकते, आपको अलग अलग बल्लेबाज, गेंदबाज सबकी जरूरत होती है और उससे टीम बनती है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी इस बात पर विचार कर रहे होंगे कि कैसे वो अपने व्यक्तित्व को पीछे रखकर टीम को और भाजपा संगठन को आगे बढ़ाएं, जिससे कि और लोगों को भी उसी तरह की अहमियत मिले सरकार में। क्या लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा विरोधी मोर्चा अस्तित्व में आ सकता है? ये एक
थोड़ी दूर की कौड़ी लगती है, हालांकि डरे हुए हैं और उसी डर का परिणाम है कि उपचुनाव में मायावती ने अचानक समर्थन दिया और उसका अब जो परिणाम आया उसको देखकर वो उसको लग भी रहा है कि ये जो साइकिल पर हाथी ने सवारी की वो सफल रही, लेकिन ये साइकिल कितनी दूर हाथी को बिठाकर ले जा पाएगी ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब लोकसभा चुनाव में और फिर आगे विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे की बात आएगी तब ये दल आपस में किस तरीके से तालमेल बिठाएंगे, कौन अपनी सीट छोड़ने को तैयार होगा, फिर जिस सीट को छोड़ा जाएगा उसके समर्थक उसके कितने नाराज होंगे, ये ऐसे बहुत सारे छोटे समीकरण है जिसकी वजह से अक्सर इस तरह के मोर्चे टूट जाते हैं। दूसरा, ये जो दल होते हैं इनका एक ये स्वार्थ भी होता है कि चुनाव के पहले ये इस तरह के गठबंधन से इसलिए परहेज करते हैं कि ये चाहते हैं खुद ज्यादा सीट जीते और बाद में उसके आधार पर अपने प्रभाव को और अपनी सीटों को इस्तेमाल करते हुए अपनी ब्लैकमेलिंग कर सके, तो इसलिए शुरू में जो चुनाव पूर्व का गठबंधन जिसको कहा जाए उससे बचते हैं। लेकिन अब इनको यह समझ में आ गया है कि अगर चुनाव पूर्व का गठबंधन नहीं होगा तो इतनी मजबूत भाजपा को चुनौती देना मुश्किल है। दूसरा, एक जमाने में जैसा हम देखते थे कि कांग्रेस के खिलाफ जब सारे दल एक होते थे तब कहीं जाकर कांग्रेस को चुनौती दे पाते थे, अभी ठीक वही हाल भाजपा का है कि अगर लोग मिलकर लड़ते हैं तो ही भाजपा को पटकनी दे पाते हैं, नहीं तो अकेले अकेले तो भाजपा को हराने का प्रयत्न कर चुके हैं और वो नहीं हरा पाए। एक चीज और देखने में आ रही है कि एनडीए में बिखराव देखने को मिल रहा है। हाँ, ये देखिए एक बड़ी बात यह है कि एनडीए नाम का रह गया, जितना प्रचंड बहुमत अगर आपको खुद ही 282 सीटें मिल जाएंगी तो फिर आप जब 273 पार कर चुके हैं आपको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, कोई सरकार गिराने को लेकर आपके साथ सौदेबाजी नहीं कर सकता, तो वैसे में ये सब दल गौण हो जाते हैं और इनकी नाराजी जो है वो चुनावी नाराजी है। ये चाहते हैं कि चुनाव के पहले एनडीए से अलग होकर फिर से अपनी ताकत को मजबूत करें, अपने समर्थकों को बताएं कि हम अलग हैं और फिर कुछ ऐसी सीटें हासिल कर ले जिसके दम पर वो एनडीए से, क्योंकि अगर मान लीजिए वैसा का वैसा प्रचंड बहुमत अब नहीं आता है जिसकी संभावना है सारे चुनावी विश्लेषक बता रहे हैं कि कम है, क्या वैसा जादू, क्योंकि कई कई राज्यों में तो उन्होंने एक भी सीट नहीं छोड़ी है, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश में 2 ही सीट, उत्तर प्रदेश में हम जो उपचुनाव के हार की बात करें वहां देखिए 72 सीट, मतलब इस तरह के जादू या आंकड़े फिर से लाना बहुत ही मुश्किल काम है भारतीय जनता पार्टी के अकेले के दम पर, तो तब ये एनडीए के जो घटक होंगे ये अपनी जोड़ तोड़ अपनी सौदेबाजी में लग जाएंगे और इसीलिए इन्होंने इस दिशा में अभी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे उपचुनावों में भाजपा की हार की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।